इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लेश स्क्वाड में अनलिमिटेड ग्लूवॉल्स कैसे बाय कर सकते हो। सो ये पुरानी वाली ट्रिक नहीं है कि आप बैग से निकाल दो ग्लूवॉल्स को और आपके टीममेट्स ग्लूवॉल्स को ले जाएं और आप फिर से ग्लूवॉल्स खरीदो, तो इससे कोई फायदा होगा नहीं। तो ये बिल्कुल नई ट्रिक है, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो आप देख सकते हो मैंने के 3 ग्लूवॉल्स बाय कर लिया है और इसके बाद आपको ग्लूवॉल्स को यूज नहीं करना है इस राउंड में, एक भी ग्लूवॉल को। तो चलिए मैं इस राउंड को ख़त्म करता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ मैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये राउंड ख़त्म होने ही वाला है, तो राउंड ख़त्म हो चुका है और आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 के 3 ग्लूवॉल्स हैं अभी भी। तो अभी नेक्स्ट राउंड आ चुका है, तो अभी देखते हैं कि मैं ग्लूवॉल्स बाय कर सकता हूँ कि नहीं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आप ग्लूवॉल को बाय कर सकते हो, यहाँ से 2 ग्लूवॉल बाय कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 से 5 ग्लूवॉल्स हो चुके हैं और ये बहुत ही रियल ट्रिक है, आपके गेम में ये परफेक्टली वर्क करने वाला है। तो आप इसको ट्राई करके अनलिमिटेड ग्लूवॉल्स बाय कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये ग्लूवॉल्स बिल्कुल फेक नहीं है, आप 5 के 5 ग्लूवॉल्स को यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने 5 के 5 ग्लूवॉल्स को यूज कर लिया। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम ग्लूवॉल्स को यूज नहीं करेंगे तो फिर कैसे मैच को खेलेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ग्लूवॉल्स को यूज करके मैच खेल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक ग्लूवॉल्स पहले यूज किया और दूसरा ग्लूवॉल्स को अभी यूज कर दिया, तो मेरे पास 1 ग्लूवॉल्स बचे हैं। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एनिमी से भी ग्लूवॉल्स को लूटते हो तो आपके बैग में बस 3 ग्लूवॉल्स होने चाहिए, तो फिर आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पास 3 ग्लूवॉल्स थे और मैंने फिर यहाँ पे 2 ग्लूवॉल्स परचेज किए, तो फिर यहाँ पे 5 ग्लूवॉल्स हो गए मेरे। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, आप इसको यूज करके एक्स्ट्रा ग्लूवॉल्स अपने गेम में ले सकते हो बिना अपने टीममेट को रिक्वेस्ट किए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में और आप ये वीडियो देख सकते हो।